यूपी के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा और खड़े ट्रक से टकराई डबल डेकर बस। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 45 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। फिरोजाबाद सड़क हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड और मलबे के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई। राहत बचाव कार्य लगातार जारी। महाराष्ट्र के पुणे में भी बारिश की मार लगातार देखने को मिल रही है। भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के लोनवाला में भी भारी बारिश का कहर जारी। घरों में कैद लोग, बारिश के बीच फंसे लोग, पर्यटकों को शिव दुर्गा टीम ने सुरक्षित बचाया। दिल्ली में बरसे बादल, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। कई लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ, तो वहीं कई लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। महाराष्ट्र के पुणे में हादसा हुआ और यहाँ पर ट्रांसफार्मर लग गया आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने आई और समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। कर्नाटक में MUDA घोटाले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहस हो गई है। विधानसभा में घोटाले पर चर्चा करने की मांग उठाई गई है। आनंदपाल एनकाउंटर में CBI की क्लोजर रिपोर्ट खारिज हो गई। आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले अधिकारियों पर अब मुकदमा चलेगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गंडक नदी में 6 मछुआरे बहे, रेस्क्यू कर तीन मछुआरे को बचा लिया गया है। नदी में मछली पकड़ने गए थे मछुआरे। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बस हादसे में घायल शिक्षिका ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही। वाराणसी को रेफर किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूटी सवार महिला ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। घायल कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय सेना मंगोलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास में होगी शामिल। 27 जुलाई से सैन्य अभ्यास की शुरुआत। वेलकम बैक, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश से खबर की। देखिए, इंसान अगर गलती करने से पहले अंजाम के बारे में पुनीता सोच ले तो ऐसा हो सकता है कि वो गलती करने से बच जाए और अंजाम से जो अंजाम होगा उसको वो भी नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे सामने आते हैं जो गलतियां करते हैं और उसके बाद उन पर एक्शन लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी कुछ ऐसा ही एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मुहर्रम के दौरान बरेली में जो बवाल किया गया था, जो प्रदर्शन किया गया था, दंगा किया गया था, वो उन पर एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। अब उनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर से कार्रवाई होगी और ये संदेश दिया जाएगा कि योगी राज में अगर कोई भी किसी भी तरीके से अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तमाम कहा सुनी, हंगामे और बवाल के बाद तेजपाल जिंदगी की जंग हार गया। बेशक दुनिया के लिए तेजपाल के साथ केस कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये आरोपियों पर कार्रवाई की शुरुआत है। बाबा न गलत होने देते हैं और न ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त करते हैं। यही कारण है कि अकबर नगर से बाबा का बुलडोजर बरेली की तरफ घूम चुका है। बरेली की सड़कों पर पीला पंजा आरोपियों के घर की तरफ बढ़ चुका है। हिंदू परिवारों पर हमला करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। लाइन से तकरीबन 10 घर बताए जा रहे हैं जिस पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई है। संभवतः ये उन्हीं के घर बताए जा रहे हैं जिन्होंने जो हिंसा 19 तारीख को हुई उसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़े हुए थे। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घर आप देख रहे हैं, जिस जो कि अब बुलडोजर जब यहाँ पर चला तो ये घर जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर बने हुआ। हालांकि लोगों का भी कहना है कि अगर इस तरीके से हुड़दंग होगा, इस तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा होगा तो कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई करना जरूरी है। हिंसा के बाद से कई लोग फरार है तो देखेंगे आसपास के जो घर हैं उनके दरवाजे तो खुले हुए हैं लेकिन घरों के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। बाबा का बुलडोजर भी एक्शन में आ गया है। कई आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। मुहर्रम जुलूस के दौरान विवाद के बाद मर्डर मामले में 75 लोगों के खिलाफ केस दर्ज गए। इनमें 10 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। इस कार्रवाई के पीछे की वजह है कि इनका ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर घर बनाना। यूपी प्रशासन ने उपद्रवियों की 11 संपत्तियां चिन्हित की हैं।
ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद बनाने के आरोप हैं। बाकी जमीन पर पक्के मकान बनाकर कब्जा किया गया। अभी तक लगभग 35 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें से 2 गिरफ्तारियां मुठभेड़ के दौरान की गई। उस मुठभेड़ में 1 व्यक्ति घायल भी हुआ था। इसके अतिरिक्त गांव में प्रशासन द्वारा ये देखा गया कि कई आरोपियों के द्वारा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। प्रशासन द्वारा वहां से अतिक्रमण हटाया गया है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है पुलिस की मौजूदगी में। अशरफ और आसिफ के मकान मिट्टी में मिला दिए गए हैं, मिट्टी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तेजपाल को इंसाफ मिलना बाकी है। और उस शाम को करीब 9 बजे 8:30 बजे मतलब हमारे घरों में लोगों ने मतलब एकदम हमला बोल दिया। 19 तारीख की रात को मतलब करीब 8:30-9 बजे कितने लोग आए थे? 70-80 लोग थे और 60-70 उन लोगों पे असले थे। डंडे लेके आए, गोलीबाजी चली रहा था। फायरिंग हुई? हाँ जी। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई? लगभग सर 2-3 राउंड फायरिंग हुई। अच्छा, हाँ जी। तो कितने लोग घायल हुए हैं आपके पक्ष के? ये हुए लोग 6-7। मेरे भाई खेत पाथ पे जा रहे थे तो सभी लोगों ने घेर के मारा था। किसने? आधे मारे थे मेरे तेजपाल भाई को। घटना के बाद से ही इलाके में पुलिस की भारी तैनाती है। अब बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 50 पर FIR दर्ज हो चुकी है, 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बताते हैं बरेली में उस दिन आखिर क्या क्या हुआ था। 15 जुलाई को कहा सुनी के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन 19 जुलाई की रात को 9 बजे 70 से 80 लोगों पहुंचते हैं हिंदुओं के मकानों की टॉर्च की रोशनी से पहचान वो करते हैं और उसके बाद क्या होता है वो आपको बताएंगे। उपद्रव ने विरोध करने वाले मकानों को उसके बाद घेर लिया और आरोपियों ने मकान पर जमकर पत्थरबाजी भी की। और फिर आपको बता दें कि उसके बाद कैसी तस्वीर निकलकर सामने आई। देखिए, उपद्रवियों के पास हथियार थे, फायरिंग का आरोप भी उस वक्त लग रहा है कि 70 से 80 जो लोग पहुंचे उनमें से किसी ने फायरिंग भी की। और तेजपाल अपने परिवार के साथ घर पर उस वक्त मौजूद था। तेजपाल को घसीट कर ले गए, खाना खा रहा था तेजपाल, और तेजपाल को घसीट कर मस्जिद लेकर गए और वहां पर आपको बता दें तेजपाल को मारपीट के बाद अधमरी हालत में छोड़ दिया गया। तो ये पूरा मामला आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन अब उन पर एक्शन लिया जाएगा और ऐसे लोगों पर बुलडोजर उनके घरों को जो है बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ब्यूटी पार्लर की आड़ में किस तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा था ये हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि ब्यूटी पार्लर की जो संचालक है उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। कैसे, इस डर्टी सीक्रेट का खुलासा हुआ है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ब्यूटी इंस्टीट्यूट का डर्टी सीक्रेट।